दिलों में कामयाबी का डर लेके चल रहे हो तो 90s के बॉलीवुड स्टार हो तुम, कानों में गूंजती डेथ थ्रेट्स लेके जग रहे हो तो सुपरस्टार हो तुम, अंडरवर्ल्ड के खौफ से उनके इशारों पर नाच रहे हो तो जिंदा हो तुम। आज की केस स्टडी में हम बात करेंगे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के टॉक्सिक रिलेशनशिप की। बॉलीवुड का नाम सुनते ही अक्सर लोगों में क्यूरियोसिटी जग जाती है, ग्लैमर, शोबिज, मनी, स्टार्स और ड्रग्स, ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतना अलग है, शायद इसीलिए आज भी बॉलीवुड कॉलम्स पॉपुलर हैं और वीरल भयानी सबसे वायरल। आमतौर पर मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलना पसंद करती हूँ, बट अंडरवर्ल्ड को बॉलीवुड नाम बेहतर लगता था, और क्योंकि इस वीडियो में उनके इम्पैक्ट की बात हो रही है, मैं वीडियो में बॉलीवुड टर्म का इस्तेमाल करूँगी। कॉमेंट्स में ट्रोल मत करना। बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर साल करीब 2000 मूवीज प्रोड्यूस करती है, जिसका टर्नओवर 2022 में कुछ 17,200 करोड़ था। हमारा सिनेमा विश्व भर में देखा जाता है और हमारे स्टार्स ग्लोबल आइकन्स हैं, पर इस सब में अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट क्यों जगा वो आपको अभी बताती हूँ। पर एक सेकेंड, अंडरवर्ल्ड होता क्या है? अंडरवर्ल्ड सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर्स, अंडरवर्ल्ड की भाषा में कहूँ तो धंधा। अंडरवर्ल्ड के लिए अपना रिस्क दिखाने का तरीका बना बॉलीवुड। Once upon a time in Bollywood, film finances की कमी हुआ करती थी। Directors को अक्सर ऐसे लोगों की तलाश रहती थी जो उनकी फिल्म में पैसा लगाए। Enter भाई। No, not सलमान भाई। The OG भाई, the underworld dons। ये underworld dons directors को खुद से call करते थे कि उनकी movies produce करेंगे। अब भाई का पैसा लगेगा तो भाई के demands भी माननी पड़ेंगी। 70 के बॉम्बे में जहाँ एक तरफ बॉलीवुड में मूवीज बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ समाज में क्राइम्स भी बढ़ रहे थे। 1962 से 68 में इंडो सिनो वॉर के वक्त इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, और इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी और देश के एम्प्लॉयमेंट रेट पर। हुआ ऐसा था कि बॉम्बे के मिल वर्कर्स अपने वेतन और वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं थे। करीब 2,50,000 मिल वर्कर्स ने हड़ताल किया, जिसकी वजह से कुछ 50 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, और इस सब में क्राइम रेट बढ़ना ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल था। इस समय बॉलीवुड में एंट्री हुई हाजी मस्तान की। हाजी मस्तान पॉपुलरली नोन एज सुल्तान मिर्जा, इंडिया के साउथ कोस्ट में एक छोटे मोटे काम करने वाला एक गरीब घर का लड़का था। जिन डॉक्स में वो काम करता था ना, वहाँ गोल्ड स्मगलिंग होती थी, और यहीं पे ही वॉज इंट्रोड्यूस टू इलीगल एक्टिविटीज। कई साल स्मगलिंग करने के बाद हाजी ने इतने पैसे जोड़ लिए कि उन्होंने बिना ऑडिशन मुंबई आने का सोचा। हाजी को दो चीज़ों का शौक था, बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफ और लग्जूरियस कार्स। कहा जाता था कि हाजी मधुबाला का बहुत बड़ा फैन था और उनसे शादी भी करना चाहता था, बट सिंस दैट कुडंट हैपन ही डिड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। उन्होंने शादी की एक्टर शाहजहां बेगम से, जिन्हें लोग मधुबाला की लुक अलाइक भी मानते थे। हाजी को इंडस्ट्री की एक्टर से शादी करने के बाद इंडस्ट्री में घुसने का जरिया मिल गया, और उसने शुरू किया फिल्म फाइनेंस करना। उसको पैसे से ज़्यादा पावर और फेम चाहिए था। हाजी ने पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड स्टार्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उसे लगता था कि सोसाइटी के इस क्लास को ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिलती है, और वो इसी रिस्पेक्ट की तलाश में था। इंडस्ट्री में हाजी का नाम चर्चा में आने लगा। ड्रेस्ड इन ऑल वाइट, उसने अपनी एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी एस्टैब्लिश की। 1970 से 1985 तक बॉलीवुड में हाजी मस्तान का प्रेजेंस रहा। उसने सुल्तान ए हिंद गरीब नवाज नाम की फिल्म प्रोड्यूस की। अब बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसका बॉलीवुड पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। 1970s के एंड में अंडरवर्ल्ड में एक नया सिंडिकेट एस्टैब्लिश हो चुका था, द डी कंपनी, लेड बाय दाऊद इब्राहिम। अगर हाजी को फेम चाहिए था तो ये कहना गलत नहीं होगा कि डी कंपनी को एक एम्पायर चाहिए था। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे क्राइम लॉर्ड्स और एम्पायर्स इतनी आसानी से कैसे खड़े हो रहे थे, तो उसका एक रीज़न था पॉलिसीज। शायद कुछ ही लोग ये जानते हो कि इंडिया में बैंक्स को मूवीज फाइनेंस करना 2000 तक अलाउड ही नहीं था, और फिल्म मेकर्स इंश्योरेंस भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि मूवी प्रोडक्शन एक बहुत ही वॉलेटाइल इंडस्ट्री मानी जाती थी। जहां सोवियत यूनियन में स्टेट फंडेड मूवीज बन रही थी, वहीं इंडिया में फिल्म मेकर स्ट्रगल कर रहे थे। टाइमलाइन में थोड़ा पीछे जाऊं तो 1940 टू 1960s तक डिस्ट्रीब्यूटर्स ही मूवीज में पैसे लगा देते थे, पर जैसे जैसे इंडस्ट्री में एक्टर्स स्टार्स बनने लगे, वैसे मूवी के बजट्स बहुत बढ़ने लगे, क्योंकि एक्टर्स की फीस ही इतनी ज्यादा होती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म मेकर्स को कहा, एंड आई एम पैराफ्रेजिंग हियर, स्टार्स होंगे वो कहीं और, हम सिर्फ 50% कॉस्ट ही शेयर करेंगे। ऐसे में फिल्म मेकर्स हाजी मस्तान और दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन्स के पास झोली फैलाते हुए पहुंचने लगे। पर डॉन्स के पास इतना पैसा कहां से आया? डॉन्स का नेक्सस बहुत डीप था, और बिजनेस के ब्रांचेस भी बढ़ गए थे, जिसमें से रियल एस्टेट एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था।
जब भी अंडरवर्ल्ड को अपने ब्लैक मनी को वाइट करने की जरूरत पड़ती वो मूवीज प्रोड्यूस करते। इन सम वेज बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड का वॉशिंग मशीन बन चुका था फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दाऊद के बारे में। दाऊद का दौर शुरू हुआ 1980s में। हाजी मस्तान की ही तरह वो बॉलीवुड की ग्लैमरस लाइफ से इम्प्रेस था। एक बहुत स्टीरियोटिपिकली बॉलीवुड फैक्ट ये है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। इनफैक्ट फिल्मों की ही तरह पुलिस ने कई बार पिता से बेटे के क्रिमिनल एक्टिविटीज पर सवाल भी पूछे, बट टू नो एड। अच्छा, डी कंपनी के मेंबर्स में थे छोटा शकील, याकूब मेमन, टाइगर मेमन, फजलुर रहमान, टू नेम अ फ्यू। पर इन सब में एक इंसान था हु वाज मोस्ट नोटोरियस। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के अंडर एक गोल्ड स्मगलर काम करता था हु लेटर बिकेम द बॉस ऑफ बॉलीवुड। इस इंसान का बॉलीवुड पे इन्फ्लुएंस काफी नोटिसेबल रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अबू सलेम, पर उसके बारे में थोड़ी देर में बताती हूँ। दाऊद और बॉलीवुड का हैशटैग कोलैब पोस्ट कैसे हुआ? दाऊद दुबई में बहुत लाविश पार्टीज होस्ट किया करता था जहाँ बॉलीवुड के कई एक्टर्स डायरेक्टर्स को इनवाइट किया जाता था। इन पार्टीज को कुछ स्टार्स बाय चॉइस अटेंड करते थे और कुछ आउट ऑफ फियर, क्योंकि अब डॉन से डेथ थ्रेट्स एक आम बात बन चुकी थी। अनदर कॉमन थिंग वॉज एक्सटॉर्शन, बोले तो वसूली। आए दिन बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अंडरवर्ल्ड से कॉल जाता था, कॉल्स पर पेटी और खोखे की डिमांड होती थी एंड लोग ये डिमांड्स पूरी भी करते थे। अगर आप सोच रहे हैं क्यों, वेल 1997 में कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों में इन डॉन्स का डर और बढ़ गया, द मर्डर ऑफ गुलशन कुमार। 12 अगस्त 1997 मुंबई के जीत नगर में हिटमैन अब्दुल रौफ ने सरेआम टी सीरीज फाउंडर गुलशन कुमार का मर्डर कर दिया। इस रूथलेस क्राइम पे एक अलग केस स्टडी बन सकती है। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि डॉन्स का लोकल पुलिस और पॉलिटिशियंस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता था कि उनमें एक अलग सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट थी। लोग इनके खिलाफ कंप्लेन करने से भी डरते थे और कई बार कॉन्विक्ट होने से पहले ही ये इंडिया से बाहर फरार हो जाते थे। तो चलिए अब आपको बताती हूँ अबाउट अबू सलेम, जो आज मुंबई के आर्थर रोड जेल में है फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द मुंबई 1993 ब्लास्ट। 1993 मुंबई ब्लास्ट से पहले अबू सलेम और एक्टर संजय दत्त दोस्त बन चुके थे, पर ये दोस्ती संजय दत्त को बहुत भारी पड़ी। अपने घर पे हथियार रखने की वजह से संजय दत्त को जेल भी हुई और दोस्त का बुरा मिसाल बनते हुए जेल जाने से पहले ही अबू सलेम दुबई चला गया। वैसे तो बॉलीवुड मूवीज हर जगह पसंद की जाती है, बट मिडिल ईस्ट में बॉलीवुड मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ मूवीज की डीवीडीज का डिमांड बहुत हाई था। किंग वीडियोज इन्हीं मूवीज के पायरेटेड डीवीडीज का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। पायरेटेड वीडियोज मतलब फिल्म रिलीज होने से पहले ही या रिलीज के तुरंत बाद उसकी डीवीडीज मार्केट में पहुंचा दी जाती थी और मूवीज सिनेमा हॉल्स में सफर करती थी। ये सारे तरीके इंश्योर करते थे कि बॉलीवुड मूवी प्रोडक्शन का कमान अंडरवर्ल्ड डॉन्स के हाथ में ही रहे। ओवरऑल डी कंपनी को इंडस्ट्री की हर खबर रहती थी, कौन सा प्रोड्यूसर कितना कमा रहा है या कौन से फिल्म सेट पर क्या हो रहा है। माना यह भी जाता है कि फिल्म क्रू के कुछ मेंबर्स जो हैं वो अंडरवर्ल्ड खबरी थे और सेट की हर खबर डॉन्स तक पहुंचाते थे। ये वो टाइम था जब कुछ फिल्म मेकर्स नई गाड़ी तक लेने से डरते थे ताकि वो डॉन्स के रेडार में ना आए। अबू सलेम दुबई में बैठ के भी बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था। 1997 में फिल्म मेकर राजीव राय को अबू सलेम का एक एक्सटॉर्शन कॉल आया। बात ना मानने पर उन पे एक जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद राजीव राय यूके चले गए उनकी फैमिली के साथ। बट नॉट एवरीवन कुड अफोर्ड टू लीव द कंट्री, जिसकी वजह से लोग डॉन्स की बात मानने लगे, डॉन्स के कहने पर फिल्में करने लगे, उनकी पार्टीज में नाचने लगे और हफ्ता तक देने लगे। इस सब के बीच एक्टर्स का अंडरवर्ल्ड एसोसिएशन बहुत बढ़ गया। काम पाने के लिए रिश्ते निभाने पड़े, कभी मजबूरी या फिर कभी जान बचाने के लिए ही सही। अब जब मूवीज फाइनेंस ही डॉन्स करने लगे थे तो किस मूवी में कौन सा एक्टर कैसा रोल प्ले करेंगे ये भी वही डिसाइड करने लगे। चलिए अब मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में आपने पक्का सुना होगा, द इनफेमस लिंकअप्स। अबू सलेम और एस्पायरिंग एक्टर मोनिका बेदी का सिचुएशनशिप बहुत मशहूर था। माना जाता है कि अबू ने मोनिका को कई फिल्मों में कास्ट करवाया, बट दे ब्रोक अप व्हेन अबू सलेम वेंट टू प्रिजन। एक रीसेंट इंटरव्यू में मोनिका ने यह भी कहा कि उन्हें आज काम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ हर पास्ट। एक्टर ममता कुलकर्णी और छोटा राजन, इनका सिचुएशनशिप एंडेड व्हेन छोटा राजन मूव टू दुबई। 2014 में ममता कुलकर्णी गैंगस्टर विक्रम गोस्वामी के साथ केन्या में अरेस्ट हुई। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्सर ये अंडरवर्ल्ड डॉन्स अपने गर्लफ्रेंड्स के फिल्म सेट्स पे मौजूद होते थे और ऐसे एनवायरनमेंट में क्रिएटिविटी पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। जब स्क्रिप्ट, एक्टर्स, डायलॉग्स, हर चीज़ पे उनका कंट्रोल था तो फिल्म मेकर के विजन को कॉम्प्रोमाइज़ होना ही था।
और क्रिएटिव काम के लिए इंसान को सुकून की ज़रूरत होती है। बट ये वो समय भी था जब इंडस्ट्री के मुकेश भट्ट, राकेश रोशन, बोनी कपूर, सुभाष घई सबको वसूली के कॉल्स आते थे। राकेश रोशन पर तो जानलेवा हमला भी हुआ जब उन्होंने कहो ना प्यार है के प्रॉफिट्स शेयर करने से मना कर दिया था विथ डॉन अली बाबा बुदेश। ठीक उसी तरह खलनायक फिल्म के सक्सेस के बाद सुभाष घई पर अबू सलेम की नज़र पड़ी, बट उन्होंने भी प्रॉफिट्स शेयर करने से मना कर दिया और अबू सलेम के डेथ थ्रेट्स को इग्नोर किया। शाहरुख खान ने भी कुछ इंटरव्यूज में ये मेंशन किया है कि छोटा राजन और अबू सलेम दोनों से उन्हें अक्सर कॉल्स आते थे, पर उन्होंने कभी भी उन्हें एंटरटेन नहीं किया। जहां बॉलीवुड के कुछ स्टार्स वर स्टैंडिंग अप टू द डॉन्स, देयर वर अ फ्यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। दाऊद इब्राहिम के कुछ फोटोज विद एक्टर्स लाइक मंदाकिनी टू सलमान खान टू अनिल कपूर आज भी वीरल भयानी पे वायरल होते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द फॉल ऑफ द अंडरवर्ल्ड और उसका बॉलीवुड पर क्या प्रभाव पड़ा। 2001 में ये खबर निकली कि सलमान खान, रानी मुखर्जी और प्रीटी जिंटा स्टारर मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके के प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से फंडिंग मिली। इस टाइम पे सारे एक्टर्स को एक्सटॉर्शन कॉल्स आए और प्रीटी जिंटा ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया कि उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। शी वॉज द ओनली वन हु स्टूड अप टू द अंडरवर्ल्ड डॉन्स। बाकी सब ने अपने स्टेटमेंट्स वापस ले लिए। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बाद में ये भी कहा कि अगर उन्हें पता होता कि सब बैकआउट कर लेंगे तो शायद वो भी कर लेती। बाद में चोरी चोरी चुपके चुपके मूवी के फाइनेंसर भरत शाह को अरेस्ट भी किया गया फॉर हिज अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस। ऐसा कहा जाता है कि 2002 की रिलीज देवदास में भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था, पर अब धीरे धीरे ना लोगों में साहस बढ़ गया था टू नॉट एंटरटेन द डॉन्स। एक बहुत बड़ा रीजन था पॉलिसी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो 1991 में हुआ था अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह लेड टू रिफॉर्म्स इन लेट 90s एंड अर्ली 2000s। साल 2000 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 में रिफॉर्म आया जिसका सीधा इम्पैक्ट बॉलीवुड पे पड़ा, जब फिल्म इंडस्ट्री को फाइनली इंडस्ट्री का दर्जा मिला। इसका मतलब अब बैंक्स, इन्वेस्टर्स मूवीज में लीगली इन्वेस्ट कर सकते थे। इसकी वजह से काफ़ी इंटरनेशनल कॉरपोरेट्स ने भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। रिफॉर्म्स की वजह से फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज में भी बदलाव आया और अब फिल्म मेकर्स फॉरेन इक्विपमेंट एंड गैजेट्स यूज कर सकते थे, जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ मूवीज ऑल्सो सॉ एन इम्प्रूवमेंट। 2002 में अनाउंस हुई मूवी एतबार बाय टाटा ग्रुप, जिसके बाद कॉरपोरेट्स के लिए मूवी प्रोड्यूस करने के दरवाजे खुल गए। 2004 से शुरू हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से सोसाइटी में भी ना एक अर्बन यंग मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जिनके पास स्पेंडिंग पावर था और एस्पिरेशंस थे। सिनेमा हमेशा से सोसाइटी का रिफ्लेक्शन रहा है। फिल्मों में अब एंग्री यंग मैन की जगह रोमांटिक फॉरेन रिटर्न प्रोटैगनिस्ट दिखने लगे। इस सब का रिलेशन अंडरवर्ल्ड से ये है कि अब इंडस्ट्री की अंडरवर्ल्ड पे डिपेंडेंस कम होने लगी और कंटेंट में बदलाव आने की वजह से उनकी सिग्निफिकेंस भी कम होती गई। इसका एक और कारण ये था कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत प्रोएक्टिवली अंडरवर्ल्ड डॉन्स का एनकाउंटर और अरेस्ट में जुड़ चुका था। पहले जहां अंडरवर्ल्ड डॉन्स शूटर्स को रिटर्न टिकट के साथ मुंबई बुलाते थे, 5,000-10,000 में मर्डर असाइनमेंट करवा के वापस भेज देते थे, अभी पुलिस के एक्शन की वजह से शूटर्स की भी कमी हो गई थी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जहां पहले अंडरवर्ल्ड डॉन्स मूवीज प्रोड्यूस कर रहे थे, अब कई फिल्म मेकर्स के लिए वही डॉन्स मूवी सब्जेक्ट्स बन गए थे। इनमें से कुछ मूवीज ने इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स को ह्यूमनाइज करने की कोशिश भी की, बट द फैक्ट रिमेन्स कि इन अंडरवर्ल्ड डॉन्स का फिल्म इंडस्ट्री पे एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा, मोस्टली नेगेटिव। और ऐसा नहीं है कि आज लोगों को वसूली वाले कॉल्स नहीं आते। शाहरुख को फिल्म पठान और जवान की सक्सेस के बाद अलेजेडली गैंगस्टर रवि पुजारी के डेथ थ्रेट्स भी आए, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उनकी पुलिस सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में अभी भी सलमान खान का नाम अलेजेडली मौजूद है। फर्क शायद बस इतना है कि अभी अंडरवर्ल्ड की दहशत से ज्यादा बड़ा इन एक्टर्स का स्टारडम है, जो उन्हें होपफुली प्रोटेक्ट करता है और करता रहेगा। और कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड अब इन आर वर्ल्ड हो चुका है, जहां कई गैंगस्टर्स हैं और ऑलमोस्ट हर बिजनेस टाइकून का उतना डर जितना एक समय अंडरवर्ल्ड डॉन्स का हुआ करता था। आई होप अंडरवर्ल्ड बहुत जल्द आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो जाएगा और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हर साल 2000 के बजाय 4000 मूवीज प्रोड्यूस करने लगेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे ही और केस स्टडीज और इंफोटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल।